हाई स्टूडेंट्स, वेरी वॉम वेलकम टू द क्लास. आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए अपडेटेड सेलेबस आ गया है और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कोर को. सो 2021-2022 के लिए ये सेलेबस है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या आपको तैयार करना है. सो यहाँ पे तो आपको सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है, जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना है. ये डेफिनेटली हमारे स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है. तो इससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है CBSE हमसे पूछेगा. बट अगर हम लोगों को ये जानना है कि एग्जैक्टली क्या क्या हम लोगों को तैयार करना है, तो उसके लिए हमें सेलेबस का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्विक रिव्यू यहाँ पे दे दिया इन सारी चीज़ों का कि कैसे दिखते हैं. इन पे आएंगे हम लोग, बट अभी हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं हमारे चैप्टर्स और इन सारी चीज़ों पे. ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको तो पता ही है, हम लोगों का हम लोगों को उम्मीद थी कि ज़रूर ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए 30% रिडक्शन आए या जितना भी, जैसा भी हम लोगों को लग रहा था कि कुछ तो रिड्यूस होगा, बट ऐसा अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है. और जिस हिसाब से ये सब कुछ दिख रहा है, कहीं दूर दूर तक रिडक्शन की तो बात नहीं हुई है. तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ताकि अब आप अपने प्रेपरेशंस कर सको. मैनी टाइम्स मैंने भी क्लास में आपको ये चीज़ बताई है कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर फोकस कर लें, थोड़ा वेट कर लें. और इसके जब अब ये हम लोगों के सामने आ ही गया है, तो अब हम बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं. अभी तक इतना ज़्यादा क्लियर नहीं था और मैं आपको रेपिटेटिवली ये चीज़ बोल रही थी कि हम लोगों को कुछ भी तो करके 30% रिडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है. मोस्ट ऑफ यू वर लाइक कि मैम ये तो नहीं आएगा, ये तो ही होगा. मैं आपको बता रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 30% रिडक्शन नहीं आने वाला है. वो पहले था, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उस वक्त बहुत अनएक्सपेक्टेडली हम लोग ऐसे सिचुएशन में आ गए थे. अभी तो सब लोग प्रिपेयर्ड है, इवन स्कूल्स, आप लोग, हम लोग सब प्रिपेयर्ड है. तो 30% रिडक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है. इसके लिए ये तो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को नहीं मिला है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th को. तो क्लास 11th में हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो इन्होंने क्या पेपर पैटर्न में कोई चेंज किया है क्या, एनालाइज कर लेते हैं. तो पहला तो पार्ट इन्होंने वैसा ही रखा है जैसा कि इन्होंने पहले रख रखा था. तो पार्ट 1 विल बी ऑफ 40 मार्क्स. अब ये 40 मार्क्स के अंदर वी हैव रीडिंग पार्ट. अब ये जो हमारा रीडिंग पार्ट है, ये आने वाला है 18 मार्क्स का. अब इसमें एनालाइज कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न के चलते इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं क्या. तो सबसे पहला ये बोल रहे हैं कि इनका क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन based on unseen passage to assess comprehension, interpretation, inference, vocabulary. That means synonyms and antonyms वाली classes अब आपके काम आने वाली हैं. साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा meaning जो है कि अगर आपको कोई एक part दे दिया और कोई एक phrase दे दिया, कोई एक word दे दिया, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका क्या meaning है. ये passage जो आपका आएगा, ये passage आएगा factual nature का. That means ये आपको descriptive देखने को मिलेगा, literary देखने को मिलेगा. तो इसमें आपको 11 questions दिए जाएंगे, जिनमें से कोई भी तो आपको 10 क्वेश्चन करने हैं. एक मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. सो इससे आपके 10 नंबर आपको यहां पे मिलने वाले हैं. तो अब हमें पता है कि हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद में आएंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसके अंदर आपको वर्बल विजुअल इनपुट्स दिए जाएंगे. इसमें आज सच कोई चेंज नहीं है, पिछले साल भी यही था, जिसके अंदर आपको कोई तो स्टैटिस्टिकल डेटा दिया जाएगा, चार्ट्स वगैरह दिए जाएंगे. एंड आपको क्या करना है, आपको यहां पे आपको उसको सॉल्व करना है. पेपर पैटर्न में जो मैक्सिमम या एक बड़ा चेंज जो है मुझे लगता है, वो ये देखने को मिलेगा आपको कि थोड़े थोड़े मार्क्स यहाँ कट कर दिए हैं. जैसे ये 20 मार्क्स का आता था और इसे 18 मार्क्स का कर दिया गया है. सो यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनमें से 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं. अब ये 8 क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होगा, तो आपको इसके 8 मार्क्स मिलने वाले हैं. 18 मार्क्स का आपका हो गया रीडिंग का पोर्शन, सिर्फ और सिर्फ MCQs का. तो ये तो केवल MCQs है. याद रखिए कि पैसेज इतने बड़े नहीं होंगे कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले ले. 600-750 वर्ड्स के पैसेजेस हैं. दैट मीन्स इतना ज़्यादा टाइम हम लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. हाउएवर, इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. अब हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे. ये मतलब इसका नेक्स्ट सेक्शन है. सो वी हैव रीडिंग सेक्शन राइट हियर. पार्ट ए में हमारा रीडिंग सेक्शन हमने देख लिया. अब पार्ट ए का दूसरा सेक्शन है हमारा ग्रामर सेक्शन. अब ग्रामर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं गैप फिलिंग पे. तो आपको देखने को मिलेंगे डिटर्मिनर्स, टेंसेज, मोडल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग, सब आ गया है. ये सारी चीज़ें पहले रिड्यूस कर दी गई थी एंड अब इनको ला दिया गया है फिर से यहाँ पे. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है.
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन को लेके भी. एंड जो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ ग्रामर की, वो अब आपके इनमें काम आने वाली हैं, क्योंकि ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. आपको बता देती हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेके क्वेश्चन आ जाता है. डेफिनेटली हम लोगों को ये बता दिया जाता है कि टेंसेज या इनसे ही आएगा, बट बहुत जगह प्रपोजिशन, नाउन्स और इनका भी रेलेवेंस देखा गया है. ये रीज़न है कि मैं ग्रामर आपको स्क्रैच से करा रही हूँ. हमने कुछ पिछले दिनों में कुछ तो टॉपिक्स ग्रामर के पिक किए थे और हम लोग आज भी एक टॉपिक पिक करने वाले हैं. सो आज हमारी डेट है 20 जून, तो आप चेक कर सकते हो. एक टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ प्रपोजिशन वाला. सो इसी पैटर्न से मैं पहले शुरुआत से ही चल रही थी और यही पैटर्न अभी आगे चलेगा. तो आई थिंक आप लोगों को आपके आंसर्स मिल गए. मैम क्यों करवा रही हो ग्रामर, ये सब कुछ तो आएगा ही नहीं. आएगा सब कुछ, आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्लियर अब हो गया है. 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चन इसमें से करने हैं. तो ग्रामर आपकी हो गई 8 नंबर की, 18 मार्क का आपका हो गया है यू नो पार्ट ए में. फर्स्ट वाला जो सेक्शन है हमारा रीडिंग वाला, और दूसरा वाला जो सेक्शन है वो हो गया है हमारे 8 नंबर का, जो कि है ग्रामर वाला. अब इसके बाद में हमें मिल गया है लिटरेचर सेक्शन भी. सो लिटरेचर सेक्शन में वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपको कोई पोएट्री से देखने को मिलेंगे. आपकी दो बुक्स है, एक है हॉर्नबिल, एक है स्नैपशॉट, और उन दोनों बुक्स में से केवल हॉर्नबिल है जिसके अंदर आपको पोएट्री का सेक्शन देखने को मिलता है. तो हॉर्नबिल में से ये पोएट्री आपको देखने को मिलने वाली है. इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और पोएम्स में हम हमेशा करते ही हैं. तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. इनमें से दो एक्सट्रैक्ट आपको दिए जाएंगे, कोई तो एक एक्सट्रैक्ट आपको करना रहेगा. तो दो एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, कोई भी एक एक्सट्रैक्ट आप यहाँ पे करोगे. दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रोस एक्सट्रैक्ट से भी. सो आउट ऑफ द थ्री गिविन आपको तीन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको क्या करना है, कोई भी तो दो एक्सट्रैक्ट्स करने हैं. तो दो एक्सट्रैक्ट्स आपको करने होंगे, तीन एक्सट्रैक्ट्स आपको दिए जाएंगे उनमें से. याद रखिए कि एक्सट्रैक्ट्स कहीं से भी आ सकते हैं, हो सकता है हॉर्नबिल से आ जाए, हो सकता है स्नैपशॉट से आ जाए. तो प्रोस का हमारा हो गया एक्सट्रैक्ट, पोएट्री का हो गया. अब देख लेते हैं दूसरा क्या है. नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन देखा जाएगा. तो यहाँ पे आपके काम आएंगे हमारे गुगू क्वेश्चंस. सो गुगू क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं. ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम जनरली करते हैं, जो हम लोग पोल्स के थ्रू और ये करते हैं. ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से कोई भी तो 5 आपको करने हैं. तो ये आपका हो गया 14 मार्क्स का. सो इसपे देख के हमें पता चल गया है कि हमारा पार्ट ए जो है वो एमसीक्यू वाला पार्ट है, जिसके अंदर रीडिंग, ग्रामर और लिटरेचर तीनों ही आने वाले हैं. तीनों में क्या कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं हम लोगों को इसका भी आइडिया लग गया है. तो अब हम लोग देख लेते हैं बाकी का हमारा पार्ट बी, जो कि 40 मार्क्स में आने वाला है, जिसका हिंट मैंने आपको एकदम बिगनिंग में दे दिया था सेशन के. बच्चे कह रहे थे नोट मेकिंग तो आएगा ही नहीं मैम, कैसे आएगा नोट मेकिंग, हटा दिया ना नोट मेकिंग, 30% रिडक्शन में हटाया था वो आपके लिए, 30% रिडक्शन में रिड्यूस किया था. यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया है, अभी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है सिलेबस में. एंड इसके चलते आपके जो पार्ट बी है 40 मार्क्स का, इसमें आपको देखने को मिलेगा नोट मेकिंग. सो नोट मेकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 200 से 250 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें से आपको नोट मेकिंग करनी है. मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से है कि दो पार्ट में नोट मेकिंग प्रोसेस किया जाता है. 8 नंबर का नोट मेकिंग आएगा. आपको नोट मेकिंग में टाइटल का एक नंबर मिलेगा, नंबरिंग का और इंडेंटेशन का एक नंबर मिलेगा. आपको जो ग्लॉसरी या फिर अगर हम देखें जो की बनानी होती है एब्रीविएशंस की, उसका एक नंबर मिलेगा और नोट्स के दो नंबर मिलेंगे. तो 5 नंबर के तो आपके नोट्स ही हो जाएंगे. इसके बाद में समरी जो है, समरी का कंटेंट मिलेगा आपको 2 नंबर. अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो डेफिनेटली 2 नंबर मिलेंगे. ये आपको केवल 50 वर्ड्स में लिखना होता है, जबकि एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन के आपको मिलने वाला है 1 नंबर. तो 1 नंबर आपको एक्सप्रेशन का मिलेगा. ये 1 नंबर आपकी स्टाइल देखी जाएगी कि आपने किस तरीके से इसे मेंशन किया है, किस तरीके से आपने बताया है. तो स्टाइल, ग्रामर, साथ ही साथ में आपके स्पेलिंग्स, ये सब देखे जाएंगे. अगर तो आपने पैसेज उठा के सीधा सीधा समरी में लिख दिया है तो ये 1 नंबर आपका गया, ये 1 नंबर तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है. तो ये 3 मार्क्स का आपका समरी आपको देखने को मिलेगा. तो इन टोटालिटी आपको 8 नंबर जो है नोट मेकिंग दिलाने वाला है. तो अब बच्चों क्लास में आ जाना. नहीं नहीं मैम, नोट मेकिंग की क्लास में हम नहीं आएंगे, आएगा ही नहीं ना.
ऑल राइट, राइटिंग सेक्शन देख लीजिए, ये हमारे पार्ट बी का सब्जेक्टिव राइटिंग सेक्शन में देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है. सो वी हैव शॉर्ट राइटिंग टास्क, वी हैव नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट्स. सो नोटिस और एडवर्टीजमेंट में से आपके पास चॉइस आएगी, आपको 50 वर्ड्स में लिखना होगा. आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से एक करना है. तो नोटिस और एडवर्टीजमेंट में चॉइस आने वाली है, आपको मिलेगा एक नंबर फॉर्मेट का, एक नंबर कॉन्टेंट का और एक नंबर एक्सप्रेशन का. मैम एडवर्टीजमेंट तो क्लास 11th में आता ही नहीं है, ये अभी पेपर पैटर्न ऐसा हो गया है. ये एंटिसिपेशन बहुत सही अभी हमारा निकल गया है, जो हमने एंटिसिपेट किया था कि नहीं नहीं ये सब कुछ आएगा. आई थिंक जब मैंने सेशन में आपको इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल क्लासेस पे अनअकैडमी पे, तो मैंने ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता दी थी. एंड बहुत सारे बच्चे फिर भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वेरियस जगह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं ये सही है. और अब ये देख लीजिए. सो देन वी हैव शॉर्ट राइटिंग टास्क. शॉर्ट राइटिंग टास्क में आपको पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे 50 वर्ड्स में. इनमें दो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, कोई भी तो एक क्वेश्चन आपको करना है. एक नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा, एक कंटेंट का और एक एक्सप्रेशन का. एक्सप्रेशन में आपके ग्रामर स्टाइल एज वेल एज स्पेलिंग्स चेक की जाती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. इसके बाद में हम आते हैं लेटर्स पे. So we have letters based on verbal visual inputs to be answered in 120 to 150 words. Business or official letters will come here. So we have making inquiries, registering complaints, asking for or giving information, placing orders, sending replies. ये सब आपको देखने को मिलेगा. Letter to school इसके अंदर आ सकता है, college आ सकता है, authorities को भी letter लिखने के लिए आ सकता है regarding admission, school issues, requirements, suitability of course और ये सब कुछ. एप्लीकेशन फॉर जॉब इंटरव्यू एटसेट्रा. आपको दो क्वेश्चन इसके लिए दिए जाएंगे जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा. ये 5 मार्क्स में आएगा. एक नंबर आपको दिया गया है फॉर्मेट का, एक नंबर आपको फॉर्मेट का मिलेगा लेटर का, जो सेंडर्स एड्रेस वाला वो फॉर्मेट है उसका. दो नंबर आपको मिलेंगे कॉन्टेंट के और दो ही नंबर आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन के. एक जो चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है वो ये है, अलग से इन्होंने लेटर टू एडिटर नहीं दिया हुआ है. इंटरनल एग्जाम्स है तो हो सकता है ऑफिशियल लेटर्स में स्कूल वाले वो इंक्लूड कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स बच्चों को 12th के लिए तैयार करते हैं और वो 12th के लिए बच्चों को तैयार करते हैं तो उसके अंदर ये राइटिंग सेक्शन आता है. बहुत खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में, सिर्फ लेटर टू एडिटर जो है वो स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, बट लेटर टू एडिटर कैन कम क्योंकि ये इंटरनल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा सब वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का. इसमें आपको वर्ड लिमिट है 120 टू 150 वर्ड्स की. इसके अंदर आपको आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और डिबेट ये चारों देखने को मिलेंगे. आई नो आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है ना इंसाफी हुई है, मैम अभी तो कहा गया था सिर्फ दो ही आएंगे, पर मैंने तुमको कहा था ये चारों आएंगे, ये चारों के चारों आने वाले हैं. अगेन मैं आपको बता देती हूँ वो 30% रिडक्शन के चलती था, बार बार मैं इसके लिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को इतना कन्फ्यूजन हो जाता है. आप आधी चीज़ें ही पढ़ के ना चले जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए बस आप आधा पढ़ के यूल बी लाइक मेरा तो हो गया बस. अब पुराना सिलेबस मत देखो, नया करिकुलम आ गया है तो इस पर फोकस करो. चारों चीज़ें आएंगी एंड राइटिंग स्किल की क्लास आपको पता है मैम ले रही है यूट्यूब पे, स्पेशल पे और प्लस पे, तो बहुत ही एडवांस कोर्स भी आ गया इसका. तो आप ध्यान रखिए कि अगर तो बाय चांस आपको इसको एक्सेल करना है तो अभी तो कुछ ना कुछ करके इस पे पूरा का पूरा फोकस करके प्रैक्टिस वैक्टिस करना पड़ेगा. The theme should be contemporary topical issues. So theme हमारी ठीक है normal issues पे है, ऐसा कुछ define नहीं किया है. दो question आपको दिए जाएंगे और उनमें से एक question आपको करना है. चार topic prepare करने हैं, दो question आएंगे, कोई भी तो दो question आ सकते हैं, उनमें से एक question आपको करना है. तो अब आपके साथ मुसीबत यह है कि आप ये चारों करके जाओगे आप इनमें से एक भी नहीं छोड़ सकते हो. सो ये भी आपको एक नंबर फॉर्मेट का, दो नंबर कंटेंट के और दो नंबर एक्सप्रेशन के जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. देन इसके बाद में हमारा जो सब्जेक्टिव है उसके अंदर आएगा लिटरेचर का सेक्शन, और लिटरेचर का सेक्शन आएगा 16 मार्क्स में, 16 मार्क्स में आएगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6 आएगा जिसमें आपको देखना पड़ेगा दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, वन फ्रॉम पोर्ट्स एंड वन फ्रॉम पोएट्री फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. एंड आउट ऑफ 4 टू बी आंसर, चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें से केवल दो क्वेश्चन जो है वो आपको आंसर करने हैं. और ये सेक्शन पर्टिकुलरली आपके लिए बना दिया गया है हॉर्नबिल का.
तो हॉर्न बिल के या तो पोएट्री में से या तो पोर्ट सेक्शन में से चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई भी तो दो क्वेश्चन आपको करने हैं। वर्ड लिमिट इसकी रहने वाली है 30 से 40 वर्ड्स की। याद रखिए कि ये दो नंबर के क्वेश्चंस हैं, तो 30 से 40 वर्ड्स आपको लिखने हैं। दो ही क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं। चार नंबर का ये सेक्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर का भी हम लोगों को बताया गया है कि कैसे लिखना है, बट आपको तो टेंशन नहीं है क्योंकि मैम ऑलरेडी वो आपको लिखवा देंगी। सो देन वी हैव वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिलेगा प्रोस सेक्शन पे, दैट इज स्नैपशॉट। तो ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा स्नैपशॉट के लिए बनाया गया है। इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स में आंसर करना है। तो इसको आपको 40 से 50 वर्ड्स में आंसर करना है। दोनों क्वेश्चन की वर्ड लिमिट अलग अलग है। हाँ, दोनों के मार्क्स जो है, दोनों के मार्क्स एक ही हैं, दो नंबर में ही आएगा, बट वर्ड लिमिट अलग कर दी है। तो आप यहाँ पे स्लाइटली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से करना है, दो नंबर आपको इसके मिलेंगे। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा हॉर्नबिल से। अब ये हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से भी आ सकता है और हॉर्नबिल के प्रोज सेक्शन से भी आ सकता है। आपको केवल एक ही आंसर करना है और लिखना है 120 to 150 वर्ड्स में। आपको देखना पड़ेगा पूरे कॉम्प्रिहेंशन को, आपको एक्चुअली बियॉन्ड टेक्स्ट जाके सोचना है। तो जो मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती है ना, जिसमें हॉट्स आपको देखने को मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपके ओपिनियन, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस टू प्रोवाइड इवैल्यूएटिव एंड एनालिटिकल रिस्पॉन्सेज इन यूजिंग इंसिडेंट्स, इवेंट्स, थीम्स एज रेफरेंस पॉइंट्स। सो आपसे कोई एक लाइन देके और उस पर कॉमेंट करने के लिए कहा जाएगा, बट वो लाइन किसी तो चैप्टर से आएगी, वो स्टेटमेंट किसी तो चैप्टर से आएगी। आपको अपना ओपिनियन रखना है, बट ध्यान रखना है कि अपने ओपिनियन को आपको जो चैप्टर की थीम है उसको बनाए रख के रखना है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन करना, पाँच नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। देन वी हैव वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि स्नैपशॉट से आएगा, अगेन 120 से 150 वर्ड्स में, सेम सारी चीजें इसमें रहने वाली है। एक क्वेश्चन आपको करने वाला है, पांच नंबर आपको इसके मिलेंगे। जो भी बच्चे पूछते रहते हैं मैम कौन सी बुक लेनी है, क्या लेनी है, आपको हॉर्नबिल और स्नैपशॉट ले लेनी है। और जैसे मैं नोट्स देती हूँ उसमें ऑलरेडी मैं डाल देती हूँ उसको, तो अगर आप वो भी नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट, दैट मीन्स NCERT इज द की। आपको NCERT जो है, NCERT को ध्यान रखना है। अगर आप NCERT को ध्यान नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर तो आप समरी पढ़ के चले गए हो तो आपने खुद देख लिया है कि कितने ज़्यादा MCQs और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, समरीज वो नहीं करवा पाएंगी। तो NCERT जो मैम आपको पढ़ाती रहती है YouTube पे, स्पेशल पे और प्लस पे, उसको आपको फोकस, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये आपका पूरा डिज़ाइन है। वी हैव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इस पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लिख दिया है मैंने, ऑलरेडी आपको बता दिया है। देन वी हैव क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर। तो ये हमारा पूरा 80 मार्क का हो गया। तो 80 मार्क का पेपर है। इसके बाद में आपको ASL जो है, ASL देना पड़ेगा। ASL में आपको स्पीकिंग स्किल्स आपकी टेस्ट की जाएंगी, ये 20 मार्क्स का आएगा एंड टोटालिटी में आपके 100 मार्क्स बनेंगे। स्पीकिंग पे मैं ऑलरेडी एक कोर्स लेके आ चुकी हूँ प्लस पे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने वो कोर्स मिस कर दिया है तो आप जाके देख सकते हो, रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है। तो ASL में 20 out of 20 आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, अगर तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर क्लास 11th। इसके बाद तो क्लास 12th है। सो या ये काफ़ी है, आपको आई थिंक अब आइडिया लग गया होगा पेपर पैटर्न का और करिकुलम का। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको पता चला कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है और कैसे। और मैं आपको स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ और एक अलग से PDF आपके लिए बना के लेके आऊँगी स्ट्रैटेजी का। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी, और आप लोगों को बहुत जल्दी उसके बारे में मेरी स्ट्रैटेजीज बना के मैं एनलाइटन करूँगी। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, कर दीजिएगा क्योंकि उन लोगों को अभी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है और वो आधा पढ़ के ना चले जाएं इसके लिए। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस लेटर।